नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोअर लिम्ब के जो बच्चे होते हैं उनके लोअर लिम्ब की वीकनेस है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम किस तरह से कराएंगे, किस तरह से ज्वाइंट को मोबिलाइज कराएंगे और बच्चे को वेट बेयरिंग अपने बॉडी के साथ खड़े करना सिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे का ज्वाइंट पेन रिड्यूस होगा और उसकी लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव होगी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले अनमोल कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे को जब भी आप कोई कमांड दे रहे हैं तो उसके नाम के साथ बुलाएं, उससे आपका बच्चा ओरिएंटेड हो पाएगा, है ना, फोकस हो पाएगा। देन हमें लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि पहले ये बच्चा मेरे पास पहले से आ चुका है, इसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट पहले से अभी में देखने को मिला है। बच्चा काफी अच्छा रोल कर रहा है, नेक कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी भी इसकी लोअर लिम्ब में थोड़ी बहुत वीकनेस बची है। तो आज मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले हम लोग पैरों से शुरू करने के में उंगलियों से स्टार्ट करते हैं कि उंगलियों को ऐसे एक एक उंगली को 10-10 बार चलाना है, पंजे को अपनी तरफ करना है, बाहर की तरफ करना है, इस तरह से 10 बार करना है और घुटने को मोड़ना और खोलना है। ये मैंने अपने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बता रखी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वेट बेयरिंग कैसे बताऊंगी कि ज्वाइंट को हमको मोबिलाइज करना है कैसे। जैसे बच्चा बार बार ऐसे अपने पैरों को मोड़ लेता है तो हमें इस तरीके से अपने उंगली को ट्रायंगल में बनाते हुए दोनों फिंगर से दोनों ज्वाइंट को इस तरह से होल्ड करना है और अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से इसके थाइस को होल्ड करते हुए हमें घुटने को मोड़ना है और खोलना है। ये एक्सरसाइज को हमें 10 बार करना है। इस तरीके से 10 times 10 रिपीटेशन के साथ हमें नी बेंडिंग करनी है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 बहुत आराम आराम से करना है ताकि ये ज्वाइंट में पेनफुल ना हो। सिमिलरली हमें नेक्स्ट ज्वाइंट के लिए, नेक्स्ट लिम्ब के भी करना है। पहले हमने उंगलियों को चलाया है 10 बार, देन हमें पंजे को चलाना है और देन हमें ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है। अभी हम मैं दोनों को एक साथ करके बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है, घुटना मोड़ना है और खोलना है। ये एक्सरसाइज हमें 10 times करना है। फिर हमें धीरे धीरे पैरों को बिस्तर से ऊपर की तरफ उठाते हुए पंजे को अपनी तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज में हो सकता है कि बच्चे को पेन हो, बट हमें इस एक्सरसाइज को रिपीटेडली 10 बार कराना है। सुबह से शाम आपको 2 बार ट्वाइस अ डे आप 10 times एक्सरसाइज को कराएं। मैंने इस तरीके से घुटने को होल्ड करके रखा है ताकि घुटना मुड़े नहीं, पैरों को घुटने को सीधे रखना है और पंजे को अपनी तरफ हाथ में करते हुए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 10 बार करना है, ठीक है। इस तरीके से फिर सेम हमें अपोजिट साइड में करना है, ऊपर की तरफ एंड देन नीचे की तरफ। अभी हमें क्या करना है, अब दोनों घुटने को मोड़ते हुए नी टू चेस्ट करना है, घुटने को चेस्ट तक लेके आने की कोशिश करनी है। ये भी हमें 10 times करना है। कोशिश ये करना है कि अपर बॉडी को रोटेट नहीं करना, घुटना को मोड़ते हुए रोटेट करना है, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। इस तरीके से कमर को घुमाना है, बच्चे के कमर को घुमाना है और हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत हार्ड हैंड से नहीं करना ताकि बच्चे को आराम आराम से घुमाना है। इस तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने हाथ को कमर के नीचे बच्चे के इस तरह से लगाना है और कमर को उठाने की कोशिश करनी है और फिर वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि कोशिश करना है बच्चा इस तरह से साइड लाइन में हो और टैप करते हुए पैरों को सीधा करना है। फिर से रोटेट, फिर से बेंड करते, फिर से स्ट्रेट करना है। जब भी बच्चा पेनफुल हो, मिस ज्वाइंट में अगर पेन हो तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से उंगलियों से टैप करना है अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि इसका पेन रिलीज हो जाए और इसको कंफर्टेबल लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेगुलरली एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चा उस एक्सरसाइज के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और इसका इम्प्रूवमेंट भी आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नी से मैं अपवर्ड हिप की तरफ टैप कर रही हूँ। आप देख रहे हो उसको काफी कंफर्टेबल लग रहा है। अभी जब मैं स्टैंडिंग करूंगी, नी पे उसका वेट डालूंगी तो थोड़ा हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो, बट हमें बच्चे का बॉडी वेट नी जॉइंट के ऊपर डालना है ताकि उसका नी स्ट्रेट हो और पेनफुल ना हो। तो आइए आप थोड़ा हेल्प करिए।
इस तरीके से आप इधर आ जाओ, देखने में आपको इजी होगा। देन हमें दोनों ज्वाइंट को इस तरीके से स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है और बच्चे के बॉडी वेट पे इसको खड़े कराना है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, कोशिश ये करना है कि दो आपको दिन में दो बार ऐसे बच्चे को ज्वाइंट के ऊपर लेके आना है और खड़े कराना है इस तरीके से। मैंने बच्चे के बॉडी वेट को उसके जॉइंट के ऊपर रखा है, इसको पेन हो रहा है बट कोई नहीं, हमें इस तरह से स्ट्रेट करके रखना है। ये भी 1 to 10 टाइम्स करना है और दिन में 2 बार करना है। इस तरीके से बिठाने की कोशिश करनी है ताकि इसके हिप जॉइंट के ऊपर वेट आए और बच्चा जल्दी से जल्दी क्रॉल करने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि इसे आराम मिल गया है, तो अब ये रिलैक्स हो गया है, बट कोई नहीं, हमें फिर से खड़ा कराना है और इसी पोजीशन को हमें बार बार रिपीट करना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि लोअर लिम की वेट बेयरिंग ज्वाइंट और मूवमेंट एक्सरसाइज हम किस तरह से कराते हैं। थैंक यू।